मैं पूनम पूनम शेन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए चीज बॉल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। चीज बॉल्स सभी को अच्छा लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। चीजी चीजी चीज बॉल्स जब आप लोग खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यमी यमी स्वीट बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के 3 पोटैटो लिए हैं, बॉईल करके इसको थोड़ा सा मैश कर दिया है। एक छोटा ऑनियन मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, उसको ऐड कर देंगे इसी में। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, उसको भी ऐड कर देंगे। 1/2 कैरेट है, उसको भी बारीक बारीक चॉप किया है, इसको भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कोरिएंडर, आप इसमें कुछ और भी वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं जो आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। 1/2 स्पून ऑरिगैनो या मिक्स हर्ब, जो भी आपके पास है, जो पिज्ज़ा के साथ आता है ना, बस अगर वो पैकेट है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स, अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 स्पून ये ब्रेड क्रम्स है, फ्रेश मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया है। 1 स्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च जो भी आपके पास है आप वो डाल दीजिएगा। ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये आलू का मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, अब हम चीज बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने उसके जो मोजरेला चीज है उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 3 चम्मच और यहाँ पे है ब्रेड क्रम्स। तो अब चीज बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा और थोड़ा सा हम इसे जो मिक्सचर है आलू का इसको हाथ में लेंगे, क्योंकि हाथ में थोड़ा सा चिपकेगा ना, इसके लिए हाथ में तेल जरूर लगा लें। इस तरीके से इसको गोल करें और टिक्की की तरह इस तरह से शेप करें, हल्का सा चपटा करें और हमें फिल करना है चीज़ इसमें। तो इस तरीके से आप हल्का सा होल करें, इस तरीके से करेंगे और एक चीज़ का इस तरीके से रखेंगे क्यूब। इस तरीके का बॉल बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसको हम ये जो मैदा है मैदे में डाल देंगे, इस तरह से कर दें और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से करके, ये देखिए इस तरीके से बॉल हमारा बनकर रेडी हो गया। इसी तरीके से बनाकर हम सभी को रेडी कर लेंगे। ये देखिए सभी बॉल्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अभी जो मैदा है इसमें डालेंगे 1/2 स्पून से भी कम नमक डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत पतला ना बनाएं, थोड़ा सा थिक बनाएं। इस तरीके का घोल बनाकर हमें रेडी कर लेना है। अब जो हमारे बॉल्स हैं उसको हमें इसमें डिप करना है, इस तरीके से डिप करें और जो एक्स्ट्रा है मैदा वो निकल जाएगा। आप थोड़ी देर इसके ऊपर इसी तरीके से रख दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। ये देखिए अब इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और इसको कोट कर देंगे। इस तरीके से पूरा अच्छे से कोट करें, ब्रेड को अच्छे से इसमें लग जाना चाहिए। इस तरीके से आप कर लें और इसको फिर से हम इस तरीके से राउंड कर देंगे। ये देखिए इस तरह का हम बनाकर सभी को रेडी कर लेंगे। तेल ये देखिए मैंने गरम कर लिया है। अब ये जो बॉल्स हैं हमारे इनको हम फ्राई कर लेंगे इसमें, इस तरीके से डालकर। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा जिससे कि हमारे बॉल्स बहुत अच्छे 2 मिनट के लिए आप लगभग इसको फ्राई करिएगा, हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम उनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ गया है, बस इनको इसी तरीके से बनाकर निकाल लेते हैं। ये देखिए सभी चीज बॉक्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इसको ट्राई करिएगा और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। चीजी चीजें किसको नहीं पसंद आती हैं और बनाना बहुत ही आसान है। देखिए झटपट बन जाते हैं और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चीजी, कितना अच्छा चीज बॉक्स बनकर रेडी है। बहुत ही गर्म है,
इस तरीके से सबको बनाइए, खिलाइए और सबकी तारीफें पाइए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।